Nasir Kazi and you're watching Kazi Fit Force. Hot topic, diet, nutrition. जो मैं लास्ट दो वीडियो में बोल रहा हूँ कि डाइट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हालांकि एक्सरसाइज वर्कआउट में इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, बट एवरीबॉडी इज एक्साइटेड कि डाइट में ऐसा क्या बताने वाला है या ऐसा क्या होगा, मतलब हम डाइट कर लें और फटाफट हमारा वेट लूज हो जाए या बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिकॉज हम आज तक के सुनते आए हैं कि 70% डाइट काम करता है, 70% डाइट काम करता है, 70% डाइट काम करता है। 20 साल हो गए ये इंडस्ट्री में, हर एक से मैं यही सुनता आया हूँ कि बस डाइट डाइट डाइट। वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले लोग सोचते हैं कि हम सबसे पहले डाइट स्टार्ट करें, बट सबसे पहला ये एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। बिकॉज डाइट आप जैसे ही शुरू करते हैं, कैलोरी कट करते हैं, कार्ब्स कट करते हैं, वीकनेस आने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है। अब उसके बाद में आप बोलोगे कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? सो सबसे पहले आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है एंड देन आप आते हैं डाइट पर। तो आप डाइट कौन सा चूज़ करना है, जैसे मैंने कहा था बहुत सारे डाइट है उसमें, GM डाइट, लिक्विड डाइट, फ्रूट डाइट, और आजकल चल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। सो इतने सारे डाइट हैं, तो बोलना ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये डाइट अच्छा है या वो डाइट अच्छा है या ये गलत है वो गलत है, सब अच्छे हैं सब गलत है। अब मैं बताता हूँ कैसे। हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का शेड्यूल अलग है, किसका वर्किंग जॉब कैसा है, रेस्टिंग कैसा है, वर्कआउट कैसा है, वो हिसाब से आपको डाइट चूज़ करना है। सो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये एक डाइट आपके किसी कलीग के लिए, किसी फ्रेंड के लिए या आपके ट्रेनर के लिए अगर ये सूट हुआ तो ये आपको भी सूट होगा। अगर वो डाइट स्टार्ट करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो देर इज़ अ नो पॉइंट। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि लो कैलोरी है तो स्ट्रेस तो आएगा ही, आपको कंट्रोल करना है या इंटरमीडिएट फास्टिंग है तो इतने आवर्स करना है, नो। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि डाइट शुरू करने के बाद में आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, या अगर आप वर्कआउट कर रहे हो पर आपकी बॉडी उसकी रिकवर नहीं कर पा रही है, या फिर आपका ब्रेन उसके ऊपर सेट नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप अपने काम के ऊपर या अपनी स्लीप के ऊपर, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ चूजिंग दैट पर्टिकुलर डाइट। हर तरह का डाइट सही है, कोई गलत नहीं है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके बॉडी को सूट नहीं हो रहा है, तो उसमें ऑल्टरेशन कीजिए, कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट से निकाल करके उसको, जैसे वर्कआउट भी बहुत से आज यंगस्टर करते हैं कि इंटरनेट से यूट्यूब से बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वही वर्कआउट को आकर के यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर थोड़ा ऑल्टरेशन कीजिए। बिकॉज कंप्लीट वैसा फिटनेस हमारा होता नहीं है जो हम देखते हैं, कभी कभी वही एक्सरसाइज जो हम देखते हैं यूट्यूब या गूगल के ऊपर हमारे लिए वो लाइट होती है, तो हमें उस कभी कभी उसमें हाई इंटेंसिटी या इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी होती है पर हमारी इंटेंसिटी लो है, तो उस एक्सरसाइज को ऑल्टर करना है। इसी तरह से आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, सी टू इट के डायरेक्टली क्रैश डाइट पर मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। सो एवरीथिंग सब डाइट राइट है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाइट सूट हो रहा है और कंफर्टेबली आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं। और डिटेल में इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आपके डाइट जब आप फॉलो करते हो तो कैसे आपका कार्ब्स खाने के बाद में ग्लाइकोजन बनता है, वो कैसे स्टोर होता है बॉडी के अंदर, कैसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। जो टेक्निकल आजकल के यंगस्टर जो हैं वो ये सोचते हैं कि 5-6 घंटा पहले जो हमने खाया हुआ जो ग्लाइकोजन बना वो एनर्जी देगा, देन व्हाट अबाउट द डोपामिन, जब हम खाने के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है, गुड मूड हम खाने के बाद जो बेटर फील करते हैं, सो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। सो डोपामिन एंड कॉर्टिसोल गुड हॉर्मोन्स, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो आप कैसे बेटर फील करते हैं, हाइड्रेशन के लिए वाटर इनटेक, सो इन सब चीज़ को कैसे बैलेंसली आपको बॉडी में स्टोर करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बिकॉज अगर एक वीडियो में सब कुछ किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर आने वाले कुछ वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे वाटर इनटेक रखना चाहिए, कौन से विटामिंस पे ध्यान देना चाहिए, और हाई प्रोटीन कितना हाई प्रोटीन रखना है, लो कार्ब्स कितना लो कार्ब कैसे करना चाहिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेंड कीजिए लोगों को, कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।